मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली में सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में कोरोना के हालातों पर चर्चा की। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीवाजी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज निर्माण में मदद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। सिंधिया ने जीवाजी विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज की जमीन का प्रीमियम भूभाटक राशि माफ करने की गुजारिश की है। सिंधिया ने पत्र में लिखा है कि नए मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर चंबल के साथ ही पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। सिंधिया ने सीएम शिवराज को पत्र खत में लिखा है, कोविड-19 के चलते प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम चुनौतीपूर्ण रहा है। ग्वालियर एक बड़ा शहर होने के कारण भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, धौलपुर के मरीजों को मेडिकल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साथ ही सिंधिया ने आगे कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से मिले अनुभवों को देखते हुए ग्वालियर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए ग्राम सुरारी में 17.45 हेक्टेयर भूमि में मेडिकल कॉलेज आरक्षित की गई है।